जी अब यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा आपसे डेट के हवाले से। अगर हमें यहाँ पर डेट निकालनी हो, मैंने एक डेट के लिए मेरे पास एक फार्मूला होता है इक्वल टू टू डे ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, मेरे पास आज की डेट आ गई, ठीक है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप यहाँ पर आके कंट्रोल कॉलन को यूज़ करें, तब भी आपको आज ही की डेट देगा, ठीक है। ये करंट डेट के लिए आपके पास फार्मूला है। मैं यहाँ पर कहता हूँ, ये तो चले मैंने मान लिया कि मेरे पास करंट डेट है, ठीक है, और या ये करंट डेट है, ये मेरे पास कोई प्रीवियस डेट आ रही है आपकी। मैं इसको प्रीवियस डेट को यहाँ पर कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर टू लिखा हुआ आ रहा है, दो तारीख है, मैं इस दो तारीख के बजाय इसको कर देता हूँ ये कम, मैं कल की डेट दे दी, ठीक है। मैं कहता हूँ इन दोनों में फ़र्क कितना है, कितने दिन का डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है, या इसमें आकर मैं मंथ का फ़र्क डाल देता हूँ, ठीक है। अब इन दोनों में मुझे देखना है कितने का फ़र्क आ रहा है, कितने डेज हो चुके हुए हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इक्वल टू पहला सेल एड्रेस माइनस दूसरा सेल एड्रेस एड एंटर, ठीक है, ठीक है, क्योंकि रकम के हिसाब से उसने माइनस में दिया हुआ है। मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, पहले ये माइनस बाद में इसको सेलेक्ट कर दिया एंड एंटर, प्लस में आपको 31 दिन का फ़र्क आ रहा है इस हिसाब से, ठीक है। अब क्योंकि दो से स्टार्ट किया, दो से महीना, क्योंकि 31 का 30 दिन नहीं आएंगे, 31 आएंगे, 31 का है वो आपके लास्ट मंथ को कंसिडर कर रहा, देख रहा कि इसमें दिन कितने। अच्छा, दूसरी चीज़ ये तो निकाल दी उसने दिन, मुझे दिन नहीं निकालना है, मुझे इसमें ईयर निकालना है, साल निकालना है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि आपकी ये डेट आज की है, ठीक है, और ये जो डेट है, ये डेट ऑफ बर्थ है आपकी। मैंने यहाँ पर बिलफर्स डेट ऑफ बर्थ आपकी ये कर, ठीक है, आपकी नहीं है, जस्ट एक एग्जांपल है, ठीक है। इक्वल का साइन दिया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने दे दिया डेज 360। वैसे हमारे पास नॉर्मली होते हैं 365 दिन होते हैं, ठीक है, ये राउंड के अंदर उसने कंसिडर किया फॉर्मूला, 365 के बजाय 360 डेज उसने शो कराए, 360 डेज ब्रैकेट स्टार्ट की, और ब्रैकेट स्टार्ट करते यहाँ पर आपको शो करा रहा है स्टार्टिंग डेट, कि आपने पहले जो स्टार्ट करी है डेट वो यहाँ पर बताएं। मैं जी स्टार्टिंग डेट मेरे पास जो है वो ये वाली स्टार्टिंग डेट है, कॉमा जो एंडिंग डेट है, ठीक है, यहाँ पर कॉमा लगाना है, कॉमा एंडिंग डेट जो है मैंने कहा ये वाली एंडिंग डेट है, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट को किया मैंने क्लोज, ठीक है, और यहाँ पर स्लैश लगा कर मैंने कहा 360 से डिवाइड करके बताए, क्योंकि साल में 365 या 360 दिन है राउंड करके, तो मुझे ये बताए कि कितने डेज कितने साल बेसिकली बनते हैं, ठीक है। जब एंटर किया तो उसने मुझे यहाँ पर जो शो करवाया, प्रॉब्लम ये है कि वो उसने मुझे शो क्या करवा दिया, आपके एक्चुअली डेट ही शो करवाई है, तो फॉर्मेट इसका चेंज है। आप इसमें यहाँ पर जाएँ फाउंड के अंदर, यहाँ पर फॉर्मेट सेल की ऑप्शन है, Ctrl+1 इसकी शॉर्टकट की, इसे क्लिक करें और नंबर के टैब्स में आएँ, और यहाँ पर डेट के बजाय इसे नंबर या आप जनरल की ऑप्शन पर क्लिक करें। मैं नंबर पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आकर मैं इस डेसिमल को ख़त्म करता हूँ और ओके करता हूँ, तो मुझे कहता है 33 साल की बात है ये, ठीक है, आज तक ये इतना है। अब मैं अक्सर एक मिस्टेक किया करता हूँ, मुझे अक्सर ये याद नहीं रहता कि मेरे अकाउंट में प्रॉब्लम आ जाता है, ये प्रॉब्लम आ जाता है कि आपके पाकिस्तान जब बना 1947 में, ठीक है, तो तब से लेकर आज तक कितने साल हो चुके हैं,
तो बता सकते हैं कितने साल हो? मैं काउंट भी करता हूँ तो अक्सर प्रॉब्लम आ जाता है। मेरे फादर अपनी एज बताते हैं तो मैं सन बताते हैं, फलाने सन में पैदाइश है, तो उसमें हिसाब करना शुरू कर दो, उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। तो सिंपल एक्सेल में जाकर वो अमाउंट लिखते हैं, वो उनका स्टार्टिंग और आज की एंडिंग डेट देते हैं, उन्हें बता देते हैं जी इतने साल हो गए फलानी चीज़ को, इतने साल हो गए। एक बंदे ने सर्विस अपनी स्टार्ट की, वो कहते हैं जी फलाने सन से मैं जॉब कर रहा हूँ तो आज तक इतना अरसा हो चुका है, तो वो आपके सामने आ जाता है। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कहता हूँ जी मैं 99 से या 98 से जॉब कर रहा था, तो मेरे यहाँ पर काम करते हुए तकरीबन 14 साल हो चुके हैं। ठीक है, ये है बेसिकली इसमें वर्किंग, और इस तरीके से ये आपको सारी चीज़ें बताता है। ये है आपके पास दो डेटों के दरमियान में साल को मुकर्रर करना कि कितने साल इसमें मौजूद होते हैं। ठीक है, ठीक है जी। इसके बाद कुछ डेट्स की और भी फार्मूले हैं, वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट टाइम मैं बताऊंगा कि वो कैसे हैं। एक बंदा बताता है जी मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, मुझे ये बताएं कि मेरा दिन कौन सा बनता है, जब मेरी पैदाइश हुई थी इस साल इस डेट को इस टाइम में, तो डायरेक्ट यहाँ पर आकर बता दे कि वो क्या है। ठीक है, मुझे क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया ये सारे काम की, वो थोड़ा सा रिपीट करना पड़ेगा, एक दफ़ा देखना पड़ेगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में ये तमाम चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट डे हमारा लेक्चर होगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर करवा दिया, एवरेज करवा दिया था। अच्छा,